हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं अपना होम टूर देने जा रही हूँ जहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ। सो बेसिकली एक ये 3 स्टोरी हाउस है। ग्राउंड फ्लोर में बेसमेंट है, उसके अपर फ्लोर में गैरेज, लॉन्ड्री यूनिट, हॉल, डाइनिंग स्पेस एंड किचन है। एंड उसके अपर फ्लोर में देयर आर 4 बेडरूम्स, जिसमें से एक मेरी लैंडलॉर्ड यूज़ करती है, बाकी वो अभी यूज़ नहीं कर रहे, और एक मुझे उन्होंने दिया हुआ है विद अ प्राइवेट बाथरूम। सो मैंने ये घर कैसे ढूंढा? सो मुझे ये घर किजीजी में मिला। एंड दे आर मेनी ऑप्शंस घर ढूंढने के लिए कनाडा में। जब मैं इंडिया में थी तब भी मैं बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही थी। फेसबुक में बहुत सारी लिस्टिंग होती है हाउसेस की, बट आप कभी भी उसे फाइनल मत करिएगा। मैंने भी नहीं किया था। आपको लोग उसमें, आप जब मैसेज करेंगे उन्हें तो वो फोटोज शेयर करेंगे, वो आपको एक बॉन्ड साइन करने बोलेंगे, बट कभी भी उस चीज़ को मत करें। वो एक स्कैम भी हो सकता है एंड यूजुअली बहुत चांसेस हैं कि वो स्कैम हो। ओके एंड उसके अपार्ट की जो आपको वो फ़ोटोज़ भेजे, मे बी वो रियल फ़ोटोज़ ना हो, तो बेटर है कि आप यहाँ पे कनाडा में आके ही ये घर को फाइनल करें। ओके क्योंकि स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे ये घर कीजीजी में मिला। एंड कीजीजी बहुत अच्छी वेबसाइट है एक अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स एंड हाउसेस सर्च करने के लिए कनाडा में, बिकॉज उसमें आप ओनर को मैसेज कर सकते हैं, फिर उनसे बात करके आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि इंडिया से बहुत अलग होता है यहाँ पे घर ढूंढने का प्रोसेस। यहाँ पे अपॉइंटमेंट के बिना आपका कोई काम नहीं होगा। व्यूइंग के लिए आपको अपॉइंटमेंट प्रायर 1 या 2 दिन पहले फिक्स करनी होती, तभी आप जाके घर देख सकते हैं। इसलिए जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने 10 दिन के लिए अपना एयरबीएनबी बुक किया हुआ था, सो डैट कि मुझे वो एक सफिशेंट टाइम मिले कि बहुत सारे घर एक्सप्लोर करने के लिए, एंड देन मैं बेस्ट ऑप्शन को फिक्स कर सकूँ। सो आप ये ध्यान हमेशा रखें जब भी आएँ कि यदि आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड नहीं है और यदि आप एयरबीएनबी में रह रहे हैं तो एक सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन ले के चलें एयरबीएनबी में रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाउस हंटिंग विल टेक सम टाइम। एक और रीजनेबल ऑप्शन है घर ढूंढने का इज अ फेसबुक मार्केट प्लेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिस्टिंग्स, रैंडम लिस्टिंग ऑफ द हाउसेस। एक फेसबुक मार्केट प्लेस होता है, आप वहाँ पे भी जाके घर ढूंढ सकते हैं। उसमें आपको फर्नीचर्स भी मिल जाएंगे यदि आपका लैंडलॉर्ड आपको फर्नीचर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो। यदि आपको रीजनेबल चार्जेस में फर्नीचर एंड मेनी ऑफ द थिंग्स रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर आपको बहुत सारी लिस्टिंग दिखेगी, आप उसमें ढूंढ लेंगे। कीजीजी एंड फेसबुक मार्केट प्लेस के अलावा भी बहुत सारी रेंटिंग एजेंसीज हैं। अकोमोडेट एट यू इज़ देयर, रेंट कैफे इज़ देयर, आप उनमें भी सर्च कर सकते हैं। मेरा घर किजीजी के वाया जो मुझे मिला था वही फाइनलाइज किया। मेरा एक्सपीरियंस किजीजी के साथ बहुत अच्छा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप कभी भी घर फाइनल करें तो एक बार किजीजी में ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर करें। ओके सो आइए अब मैं आपको मेरा होम टूर देते हैं। सो तैयार हैं आप लोग, आ जाइए। Guest washroom. Basically, this we are a tenant in this, and our landlord is also staying with us. So, this is the hall you can see, and this is a small closet to keep vacuum cleaners and our jackets while we move out. This is the hall. Here comes the kitchen. So we have this space. This is the fridge of our landlord. They use it. This is a gas stove with oven. So this is used by us and with the landlords as well. ये दोनों के बीच में shared है. And there are small compartments so we can keep our stuffs all over here. This is the oven. And washing area. फिर ये फ्रिज है जो टेनेंट्स के लिए, तो हम ये यूज करते हैं हमारे। एंड ये मंदिर है। स्पेस एंड वी यूज टू वर्क फ्रॉम हेयर ओनली, सो हमारे लैपटॉप्स भी यहीं पे रखे हुए हैं।
लॉन्ड्री यूनिट। सो वी डू आवर लॉन्ड्री हियर। This is our room. This bed has been given by our landlord. So this is a very spacious room, and apart from this, the view from this window is also very good. Then we have a closet here, which is very huge. We have keep our stuffs all over here. The jackets are being hung to the here. Then in front of our room, we have a bathroom. This is the sink area. And there's a toilet and a bathtub kitchen. सो दिस वॉज द एरिया विच वी हैव द एक्सेस। आप लोगों को मेरा ये होम टूर पसंद आया, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।